हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएम टुडे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र में अप्रैल के दौरान घूमे जाने वाले स्थानों के बारे में। नंबर एक, मालवण। मालवण एक सुरम्य तटीय शहर है जो दूर दूर से पर्यटकों को आमंत्रित करता है। यह एक समुद्री अभयारण्य के लिए जाना जाता है जो 30 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। प्रकृति प्रेमियों के लिए मालवण की खूबसूरत तटरेखा, सुनहरी रेत, प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिलती है। यहाँ पर स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्कलिंग जैसे विभिन्न जल खेल खेले जाते हैं। यह आप समुद्र तट से सूर्यास्त का दृश्य देख सकते हैं। नंबर दो, आंबोली। आंबोली महाराष्ट्र में स्थित एक छोटा सा पहाड़ी क्षेत्र है। यह प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सह्याद्री पर्वतमाला में है जो सिंधुदुर्ग जिले में आता है। आंबोली को झरने का स्वर्ग भी कहा जाता है। यहाँ की शांति, प्राकृतिक सौंदर्य और वन्य जीवन का अनुभव करने के लिए पर्यटक आते हैं। नंबर तीन, लवासा। लवासा भारत के महाराष्ट्र राज्य में पुणे के पास एक पर्यटन स्थल है। यह एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है जो अपनी खूबसूरत झीलों, पेड़ों और बगीचों के लिए जाना जाता है। लवासा एक आधुनिक और विकसनशील शहर है जो अपने मौसम, रेस्टोरेंट्स और पर्यटन गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के आकर्षणों में वाटर स्पोर्ट्स, ट्रैकिंग शामिल है। नंबर चार, लोनावला। लोनावला महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित एक पर्वतीय स्थल है। यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्यता ठंड मौसम के लिए जाना जाता है। यहाँ के प्रमुख आकर्षणों में भूषण झरना, कार्ल टट्टी लेन, भूसी डैम और राजमाची पॉइंट शामिल है। यहाँ की प्राचीन गुफाएं पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। नंबर पाँच, महाबलेश्वर। महाबलेश्वर महाराष्ट्र का पर्वतीय पर्यटन स्थल है जो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित है। यहाँ के जल स्रोत पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। महाबलेश्वर के आसपास वन्यजीव अभयारण्य और प्राकृतिक सौंदर्य लोकप्रिय बनाता है। वेल दोस्तों, ये तो थी महाराष्ट्र में अप्रैल में घूमे जाने वाले स्थानों के बारे में छोटी सी जानकारी। उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होंगी। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूले। जय हिंद।